कोरोना महामारी को रोकवा विश्व में सर्वप्रथम वैक्सीन प्रस्तुत करिछि रूस। एने मंगलवार रूस राष्ट्रपति सूचना सेप्टेम्बर यार अधिक मात्रा उत्पादन होगा नहीं कहुले रूस प्रस्तुत करथिबा वैक्सीन केते मात्रा सुरक्षित से नहीं चर्चा चली। यार भितर दिल्ली एम्स निर्देशक रणदीप गुलेरिया वैक्सीन सुरक्षा को नहीं चिंता प्रकट कर से कहते प्रथम यह देखा वैक्सीन कौन पार्श्व प्रतिक्रिया रोचे कि नहीं यार जांच होगा दरकार। यह व्यतीत ए वैक्सीन केते मात्रा मनीष सुरक्षित केते परिमाण में मनीष शरीर में प्रभाव पकाइब एसबू को अनुधान करने को पड़ो बोली कहते गुलेरिया। कोरोना टीका प्रस्तुत करने को विश्व में 165 संस्था प्रयास जारी रखिंट। अगर रशिया की वैक्सीन सक्सेसफुल होती है और वो हमें क्रिटिकली देखना पड़ेगा कि वो सेफ़ है और इफ़ेक्टिव है, सेफ़ कि उससे कोई साइड इफ़ेक्ट ना हो और एफिकेसी हो कि उससे अच्छी इम्यूनिटी आ रही है और प्रोटेक्शन दे रही है। अगर ये दोनों चीज़ें ठीक बैठती हैं तो ये बहुत कदम है कि एकदम वैक्सीन मिल सकती है। इंडिया के पास कैपेसिटी है कि उसकी मास प्रोडक्शन कर पाए और इससे जो वैक्सीन जो स्टडी ट्रायल्स हैं वो और इफेक्टिव हो जाएंगे, वैक्सीन और जल्दी आ जाएगी। लेकिन ये जो दोनों चीज़ें हैं ये एक साइंटिफिक वर्ल्ड में क्लियर होनी चाहिए कि ये वैक्सीन सेफ़ है और इफ़ेक्टिव है।